देखिए सदन में चर्चा करनी थी मणिपुर को लेकर और कई जो बिल थे वो लाने थे। कल आपने अंदाज देखा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, विपक्ष को खुले तौर पर जो चुनौती थी वो दी जा रही थी कि बिल गिरा कर दिखाए। हमारे साथ पूर्व सांसद और जाप सुप्रीमो है पप्पू यादव जी। पप्पू जी, साफ तौर पर विपक्ष को चुनौती दे रहे हैं लोग। अच्छा एक बात बताइए, भैया सन जीते या भोजी के वाला कहावत नहीं है दुनिया में? अब ये लोग निर्लजता की सीमा पार कर चुके हैं। थेथरलॉजी नहीं होती है, गांव घर में नारी खोखी की लड़ाई नहीं होती है। बीजेपी और देश के पीएम यदि ऐसी भाषा का प्रयोग करते हो, जिस तरीके से मैंने कई बार कहा है कि रेलवे का गोलीकांड इशू नहीं बनता, हरियाणा इशू नहीं बनता, मणिपुर इशू नहीं बनता, जो देश के हालात हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए ना। इस देश की जनता कंप्लीट रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान की सरकार है, जनता से विश्वास खो चुकी है। 9 सालों में, अब 10वां साल में चुनाव होने की में हम प्रवेश कर चुके हैं, अभी तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारत में नफरत के अलावे संविधान के लिए वो खतरा बन चुके, लोकतंत्र कंप्लीट रूप से डिमोलिश करने का प्रयास किया गया। और जो भी इस देश की आवाज़ बनते हैं उसको ईडी, सीबीआई से जैसी सारी संस्थाओं को उसके पीछे खड़ा कर देती है। अब अरविंद केजरीवाल को भी ये जेल चाहेंगे भेजना। आप लोकतंत्र में सर्वोच्च हर तरह की विधायिका का अपना आउटपुट है, रूल्स है, न्यायपालिका अलग है, विधायपालिका अलग है। जब नरेंद्र मोदी जी को न्यायपालिका में ही भरोसा नहीं रहा, ईडी के डायरेक्टर राजेश मिश्रा के निर्णय के बावजूद उसको रख लेना, मुझे लगता है कि अब देश में कुछ नहीं बचा। नाथूराम गौडसे को मानने वालों की संख्या जिस देश में 47% हो जाए, और लगभग इस हिंदुस्तान में समाज ही एक मूल्यों को खो दे तो हम कहाँ जाएं? अच्छा एक बड़ा सवाल है कि कल निशित कांत दुबे कह रहे हैं कि नीतीश जी को सबसे ज़्यादा फंड हम देते थे, हम बिहार की सत्ता चलवा रहे हैं। देखिए एक बात मैं बोल लूँ, निशिकांत बरबोलापन है, उनको इतना दौलत कहाँ से आई, वो मेरे पूर्णिया में उसका ननिहाल है, समझे। अब निशिकांत के बारे में वो क्वेश्चन का भी पैसा दुनिया में जितनी सारी कमाई उन्होंने बड़ी बड़ी व्यवसायियों को सदन में उसकी कमियों के उठा करके पैसा वसूलना, सृजन घोटाले से लेके कितने घोटाले में जिस व्यक्ति का आचरण चरित्र चिंतन दुनिया जानती है कि इन लोगों का क्या चरित्र और चिंतन है, और जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करता है, ये बीजेपी के एमपी एमएलए मंत्री के ही भाषा से आप उम्मीद कर सकते हैं। आप पहले तो इसको समझिए। दूसरी बात, निशिकांत दुबे जी को बहुत शौक है ना, तो उनसे कहिए कि सबसे ज़्यादा 70,000 करोड़ रुपये का घोटाला करने वाला अजीत पवार, और 2 साल छगन भुजबल जेल में रहने के बाद उसको नरेंद्र मोदी स्वीकार कर लिए। उनको जो राज्यसभा के एमपी थे, 3 आदमी जिनको उन्होंने गाली दिया था, दूसरा मुख्तार अंसारी के बेटे को उन्होंने स्वीकार कर लिया, तीसरा अलगाववादी के सबसे बड़े नेत्री महबूबा को उन्होंने स्वीकार करके सरकार बनाया। बीजेपी का अपना कोई कैरेक्टर नहीं है, वह किसी को भी स्वीकार कर सकते हैं, चाहे मुख्तार अंसारी जी के लिए अब कोई गोली नहीं चलेगी। राहुल गांधी के कैरेक्टर पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है, उनकी सदस्यता जब वापस बहाल की गई है तो कह रहे हैं इंटरटेनमेंट होगा, ये कौन सा मतलब नेता ही लोग देख रहे हैं? एक बात बोलूं, ऐसे लोगों के बारे में गोबर पर कितना घी दबाइएगा, सुबह बाजे तो बाजे चलनियों बाजे है, शीशे के घर में रह के पत्थर जिसका पूरा नख से बाल तक ही कंप्लीट रूप से चारित्रिक से लेकर के बेईमानी तक डूबा हुआ हो, उनके बारे में मैं इतना जानता हूँ
सूरज को पर कोई थूक फेंक करके किसके मुंह पर पड़ेगा? आप हमको इतना बता दीजिए, हम कीचड़ पर पैखाना पर पत्थर नहीं मारना चाहते। सूरज को दीपक दिखाने वाली बात यदि निशिकांत करता है, इंदिरा गांधी के स्टॉलवर्ट याद कीजिए, लोग क्या क्या कहते थे, भगवान को लोग क्या क्या बोलते थे। तो भगवान को बोलने वाले और जिससे डर होता है, जिससे खौफ होता है, यदि डर नहीं है तो राहुल गांधी का भूत क्यों सवार है बीजेपी को? राहुल गांधी और कांग्रेस से इतना डर अमित शाह, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेताओं को क्यों है? यदि राहुल गांधी जी इंटरटेनमेंट हैं, राहुल गांधी जी कुछ नहीं हैं, तो फिर सबसे ज़्यादा राहुल गांधी को वे लेना, उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास न्यायालय से लेके ऊपर तक करना, लगातार जनता से दूर रखने का पूरा षड्यंत्र रचना और 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी के पास और बीजेपी के पास दो विचार है, एक है पाकिस्तान और मुसलमान और दूसरा है राहुल गांधी एंड कांग्रेस। इस दो मुद्दे के अलावे नरेंद्र मोदी के पास भारत की जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं है, विकास के लिए नहीं है, रोजगार के लिए नहीं है, राइट ऑफ वर्क के लिए नहीं है, राइट ऑफ एजुकेशन के लिए नहीं है, राइट ऑफ वेल्थ के लिए नहीं है, राइट ऑफ हेल्थ के लिए नहीं है, राइट ऑफ जस्टिस के लिए नहीं है। हम नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहेंगे, क्या हुआ सारी चीज़ें आपने किसान को मारे, घरेलू महिलाओं को मारे, किसान यूथ को मारे, छात्र को मारे, आपने ज़िंदगी में कोई एक प्रगति, इकोनॉमी हमारा कोलैप्स कर गया, हमारी इंडस्ट्रीज बेल्ट कोलैप्स कर गई, 900 किसान मारने के बाद हमने कानून फिर नहीं ला पाए, समाज को जिस तरीके से नॉर्थ साउथ सबको बांटा है इसने, राहुल गांधी और कांग्रेस, मेरा सिर्फ दो है कि बीजेपी कई सीटों पर है, एक गोवा, मणिपुर में गठबंधन जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है और सब भ्रष्टाचारी को जमा के अकेला बीजेपी कहां कहां है, मात्र मध्य प्रदेश, यूपी, गोवा, गुजरात, चार के अलावे पूरे भारत में नरेंद्र मोदी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ सरकार है। तो हम जानना चाहते हैं बीजेपी के तमाम लोगों से कि कर्नाटक आपने कांग्रेस को तोड़ के बनाया, मध्य प्रदेश कांग्रेस को तोड़ के बनाया, महाराष्ट्र कांग्रेस को तोड़ के बनाया, मणिपुर कांग्रेस को तोड़ के बनाया, तो आप इस देश की जनता का विश्वास खो चुके हैं। कर्नाटक आपने देख लिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान भी देखेंगे और 2024 एक और यात्रा की होने दीजिए आप, नॉर्थ से लेके गुजरात, तब उनसे पूछिएगा। और मैं इतना ही मानता हूँ, नीतीश निशांत टाइप का, निशांत दुबे टाइप का जो व्यक्ति है, वह कंप्लीट से जब उसको कोई जगह नहीं मिला तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के आंख का तारा बनने के लिए वो राहुल गांधी को कितना भी गाली दे सकते हैं। देखिए, राहुल गांधी को निशिकांत दुबे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आंख के तारा बनने के लिए कोई भी गाली दे सकते हैं। आज मौजूदा जो केंद्र की सरकार है उसके पास शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय को लेकर कोई नीति नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान और राहुल गांधी को कोस कर जो सियासत है वो कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी शेखर घोष के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, मधेपुरा। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी, पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।